हेलो फ्रेंड्स, कुमुदनी की वेज रेसिपी में आपका स्वागत है। ये बाफेला बाटी देखकर आपके मुंह में पानी आ गया होगा। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है और मिक्स दाल के साथ में और चोखे के साथ। आइए इस रेसिपी को बनाते हैं। एक छोटी कटोरी मैंने दाल ले ली है, मूंग की पीली वाली, और इस तरह से भिजा के रख दिया। 2 घंटे बाद देखिए ये अच्छे से फूल चुकी है। अब इसको हम छान लेंगे और देखिए अच्छे से फूल चुकी है, टूट रही है। मिक्सर में डालकर पीस लेंगे, थोड़ा सा इसमें से बचा लेंगे। फ्रेंड्स, आप मेरे तरीके से बफाना बाटी जरूर बनाइएगा, मैं सच बताती हूँ, आप लोग उंगलियाँ चट्टे हो जाएंगे, इतनी गारंटी है। तो थोड़ा सा इसके अंदर मैंने 3-4 चम्मच पानी डाल दिया है और पीस लिया। गेहूं का आटा लिया है 2 बड़े कप मैंने, और 1 बड़ा चम्मच मैंने देसी घी लिया था, और जो ये मूँग की दाल नहीं पीसी थी वो इस आटे में ऐड कर दिया, और पीसी हुई मूंग की दाल को भी इसमें ऐड कर दिया फ्रेंड्स। और ये 1/2 कप सूजी लिया है मैंने, और ये 2 बड़े चम्मच सफ़ेद तिल लिए हैं, 1 चम्मच मैंने अजवाइन लिया है, और इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर डालेंगे 1 चम्मच, गरम नमक डालेंगे स्वाद के अनुसार। मैंने इसमें 1.5 छोटे चम्मच डाल दिए नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर डाल दिया है, 1 चम्मच धनिया जीरा पाउडर डाला है, और 1 चम्मच गरम मसाला डाला है, 1 छोटा कप मैंने बेसन डाला है फ्रेंड्स इसके अंदर, और हरी धनिया डाली है। अब पहले इसको हम अच्छे से मिलाएंगे बिना पानी के, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने इसमें देसी घी और मूंग की दाल पीस कर डाली है। तो फ्रेंड्स, आप मेरी इस तरीके से बाफेला बाटी बनाइए, मैं सच बताती हूँ, बहुत टेस्टी लगता है। घर में ही हम आसान तरीके से बना सकते हैं और घर के बर्तनों से ही बना सकते हैं। जो खाने में एक बार जो खाएगा ना, तो वो पूछते रहे कि ये पात्रा के जैसे दिखने वाला बाटी कैसे बनता है, मुझको बताइए। तो देखिए, ये मैं आटे को गूंद रही हूँ। अब जब अच्छे से मिक्स हो जाए दाल और घी, उसके बाद थोड़ा थोड़ा पानी डाल के जैसे हमारा डो रहता है आटे का, ऐसे ही बना दीजिए और ढक दीजिए 10-15 मिनट के लिए, ताकि आटा अच्छे से सेट हो जाए। और मैंने जीरे का पाउडर लिया है, आप भी चाहें तो जीरे का पाउडर ले सकते हैं, या फिर आपको और कुछ पसंद है चटपटा बनाने के लिए बाफेला, तो आप यूज कर सकते हैं। तो इसका जीरे का पाउडर मैंने लिया है और देसी घी लिया है। देखिए, जिस तरह से रोटी बेलते हैं ना, इसी तरह से हमको लोई लेकर 3-4 रोटियाँ बेल लेनी है। थोड़ी सी मोटी रहेगी रोटी, जैसी एकदम पतली नहीं रहेगी, थोड़ी हल्की सी इसकी लेयर मोटी रहेगी, आप देख सकते हैं बस। और स्वाद में ये बहुत बेजोड़ बनेगा, मैं सच बता रही हूँ, गारंटी है। आप बनाइए मेरे तरीके से। और ये रेसिपी आपको कैसी लग रही है कमेंट जरूर कीजिए। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रही है शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कहाँ से आप इस रेसिपी को देख रहे हैं वो भी बताइए। तो देखिए, मैंने थोड़ा सा देसी घी लगाया है, और देसी घी को फैलाने के बाद थोड़ा सा इसमें जीरा पाउडर डालेंगे, जो जीरा पाउडर मैंने दिखाया था, और थोड़ा सा आटा डालेंगे। इससे क्या होगा, हमारा लेयर चिपकेगा नहीं और लेयर हमारा उभर कर आएगा फ्रेंड्स। तो मैंने ये 3-4 रोटियों पर इसी तरीके से घी लगाकर जीरा का पाउडर डाला है, और इसमें थोड़ा सूखा आटा डाला। आप चाहें तो थोड़ा सा तीखा बनाने के लिए इसमें मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं एक्स्ट्रा। देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से दोनों तरफ से फोल्ड कर लेना है, और बीच में से इस तरीके से दबाते हुए रोल कर लेना है। एकदम आसान है, और देखने में तो आप देख ही रहे कितनी सुंदर दिख रही। अब इसको अच्छे से हम रोल कर लेंगे, ये देखिए, और बीच से कट कर लेंगे। साथ ही में इसको भाप से उबालेंगे, लगभग इसको हम 10 मिनट तक, सभी ये पूरी रेडी होने के बाद 10 मिनट तक मैंने उबाला है। और 10 मिनट बाद देखिए, ये जो गोल गोल मैंने सेप रखा था राउंड वाला, ये थोड़ा सा फूलकर बड़ा हो गया, आपको दिख रहा होगा। तो 10 मिनट के बाद गैस को बंद कर देंगे, और देखिए मैं आपको बता रही हूँ, ऐसे चेक किया है मैंने, थोड़ा भी इसमें नहीं लगा है, और बहुत आसानी से गया है और बहुत आसानी से आ भी गया है। तो ठंडा होने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ किस तरीके से ये दिख रहा है, जो हमारी लेयर में हमने घी लगाई थी
बस उतना ही। अब इसको हम अपने हिसाब से आधा इंच या एक इंच का गैप रखते हुए कट कर लेंगे। फ्रेंड्स, बहुत आसान रेसिपी मैं आपको बता रही हूँ। अगर आप मेरे इस तरीके से बनाएंगे ना, आपके घर में सब लोग खाना इतना पसंद करेंगे और बोलेंगे कि कैसे बनाए बताओ करके, और टेस्ट में तो बहुत बेजोड़ है फ्रेंड्स। तो देखिए, एक चम्मच छोटा मैंने घी डाला है। आप चाहे तो इसको फ्राई कीजिए या फिर तल लीजिए। और जैसे ही घी गर्म हो गया, चारों तरफ फैला लेंगे और थोड़ी सी इसके अंदर सफ़ेद तिल और थोड़ी सी इसके अंदर जीरा पाउडर, जीरा डाल देंगे और थोड़ी सी सरसों का दाना डाल देंगे फ्रेंड्स, और फैला देंगे इस तरीके से। और जो हमने भी कटिंग करके बाटी रखी है, बाटी को इस तरीके से, ये गैस की फ्लेम इस समय मीडियम टू लो है फ्रेंड्स, हाई गैस पे इसको नहीं बनाना है, ठीक है। और इसको हम जब उबाले थे तो ये पक चुका था, लेकिन जो इसका क्रंच होता है ना, असली मज़ा, वो इस तरह से सेकने के बाद ही आता है। तो देखिए, एकदम स्लो गैस पे इस तरह का थोड़ा टाइम लगेगा और ये सिका जाएगी। अब इसको थोड़ा टाइम के बाद पलट कर लेंगे। देखिए, दिख रहा है आपको किस तरीके से ये हल्का सा रोस्ट हो गया है, हल्का सा फ्राई जैसा हो गया है। बस इसका स्वाद है ना, इस समय बहुत बेजोड़ है, मैं सच बता रही हूँ आपको। और आपको इसके साथ में मिक्स दाल मसालेदार की अगर रेसिपी चाहिए तो आप कमेंट में लिख के ज़रूर भेजिए, और चोखे की रेसिपी भी चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइए। तो देखिए फ्रेंड्स, ये पलटी कर लिया है मैंने, और इस तरीके से हम फिर से 5 से 7 मिनट छोड़ देंगे। एकदम लो गैस पे रखा है मैंने, और फिर से इसको हम पलट लेंगे। इससे क्या होगा, ये जो सेका जाएगा ना, तो बीज की लेयर भी अपने आप खुल जाएगी और साथ में टेस्ट भी बदल जाएगा, मतलब क्रंचीपना पूरा आ जाएगा। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये अपने आप लेयर भी खुल रही है इसकी, और क्रंचीपना भी आ रहा है। तो आप कब बनाने वाले हैं इस तरीके का बफाना बाटी, कमेंट जरूर कीजिएगा, और कहाँ से देख रहे हैं ये भी मुझे बताइए। तो देखिए, ये सभी बाटियाँ मैंने इस तरह से पलट ली, और फिर 5 से 7 मिनट तक स्लो गैस पे सेक लेंगे और गर्मा गर्म परोसेंगे। तो देखिए कितनी सुंदर हमारा ये डिनर तैयार है, दिख रहा है ना बहुत अच्छा। तो ज़रूर से मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। कैसी लगी ये वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो भी सामग्री मैं डाली हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। थैंक यू, धन्यवाद।